थ्योरम है बच्चों, इफ पी डैश इज ए रिफाइनमेंट ऑफ पी कंटेनिंग स्मॉल पी पॉइंट्स मोर देन कैपिटल पी एंड मोड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी देन एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस टू पी के डेल्टा और सेकेंड पार्ट अपर सम के लिए जो स्टेटमेंट दी गई है वो है इफ पी डैश इज ए रिफाइनमेंट ऑफ कैपिटल पी कंटेनिंग स्मॉल पी पॉइंट्स मोर देन पी एंड जो मोड एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी देन क्या प्रूव करके दिखाना है आपको फर्स्ट पार्ट में हाँ एल एफ पी लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस टू पी के डेल्टा ये और सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है जो यू एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू यू एफ पी एस ग्रेटर देन इक्वल टू यू एफ पी माइनस पी के टू पी के डेल्टा और वेयर नोड पी दिया इसमें लेस देन इक्वल टू डेल्टा नोड पी इज लेस देन इक्वल ये आपके पास थ्योरम स्टेटमेंट ठीक है क्या कहा है देखो आपके पास कोई क्लोज इंटरवल है फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए टू ठीक है एक फंक्शन दिया है बाउंडेड फंक्शन है रियल वैल्यू फंक्शन एफ एक्स उसका जो मोड है वो दिया गया है लेस देन इक्वल टू के और जो ये इंटरवल है इस इंटरवल के पार्टीशन लिए हैं उसने एक पार्टीशन पी लिया है एक पार्टीशन पी डैश लिया है ठीक है P partition तो हम महीने के चलेंगे जो x नॉट x वन x टू अप टू एक्स एन उसके बाद P dash जो partition लिया है वो भी partition ही है इसका लेकिन वो P की refinement है ठीक है P की refinement है और P की refinement तो कब बन जाएगी बच्चों जब P partition से एक भी point extra आ गया P dash में तो P dash refinement है तो यहाँ पर उसने ये बता दिया कि जो P dash में points है ना स्मॉल पी पॉइंट्स ज्यादा है इससे एक्स्ट्रा पॉइंट्स पी से स्मॉल पी एक्स्ट्रा पॉइंट्स डले हुए हैं ठीक है तो उस पार्ट में आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो एल एफ पी होगा वो लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश और ये लेस देन इक्वल टू किससे आ जाएगा एल एफ पी प्लस टू पी के डेल्टा पी तो जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं पी डैश में वो के क्या है जो बाउंड है ना मोड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के है डेल्टा क्या है नॉन पी लेस देन इक्वल टू डेल्टा है ठीक है अब एक बार देखो जो ये पार्ट तो हमने ये पी डैश रिफाइनमेंट है पी की है ना और ये पार्ट तो हम प्रूव नहीं कर चुके हैं ये वाला पार्ट एक पीछे थ्योरम की थी हमने उस थ्योरम में हमने ये पार्ट भी प्रूव कर लिया था और ये पार्ट भी प्रूव कर लिया ध्यान दो है ना इससे पिछली थ्योरम थी वो उस थ्योरम में एक ये और आ रहा था बच्चों देखो उसी थ्योरम वो थ्योरम आपको करनी है यहाँ तक ये जो प्रूफ अगर पेपर में ये थ्योरम आई तो यहाँ तक प्रूफ करने के लिए उस थ्योरम का प्रूफ आएगा वो प्रूफ आपको करके दिखाना है पूरा ठीक है क्योंकि मैं आपको करवा चुकी हूँ तो मैं डायरेक्ट यूज कर दूंगी वो रिजल्ट भी और जो भी हमारी एल एफ पी डैश इसकी वैल्यू आई थी वो इससे जो पिछली थ्योरम थी उसका यूज कर रही हूँ मैं तो यहां से हमारे पास आया था पेज नंबर 1.5 पे थ्योरम जो है उसका यूज कर रहे हैं बच्चों और यहां से हमारे पास जो एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी इसकी वैल्यू आई हुई है क्या वैल्यू थी देखो एम आर डैश माइनस एम आर यहां पर आया था हमारे पास एच डी आई माइनस एक्स आर माइनस वन फिर प्लस
MR डबल डैश माइनस MR और यहाँ पर XR माइनस XZ, ये आए वो ठीक है पिछले क्लास से। वहां पर हमने क्या लिया था, जो पी पार्टीशन लिया था वो था हमारे पास यहाँ पे बता रही है लेट पी पार्टीशन जो था उसको वो था एक्स नोट एक्स वन अप टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर अप टू तो एक्स एस, ये पार्टीशन लिया था हमने पी। और जो पी डैश लिया था ना वो पी डैश था हमारे पास सबसे पहले हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चले थे और फिर जनरलाइज कर दिया था कि अगर पी पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। पहले एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चले थे और फिर जनरलाइज कर दिया था रिजल्ट को कि अगर पी पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे तो क्या आ जाएगा। तो यहाँ से पी डैश में अगर एक पॉइंट एक्स्ट्रा है और वो पॉइंट एक्स्ट्रा कहाँ पे है, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच में एक्स एक्स एरिया में अप टू एक्स एन, ये लेके चले थे। और उसके बाद जब हमने उसको सोल्व किया था तो ये वैल्यू निकाली थी एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, ये निकाल के देखी थी हमने, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई थी सिर्फ ये बचा था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमने ये दिखा दिया था कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यही दिखाया था ना, ये तो लेंथ है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही रहेगी, ये भी लेंथ है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही रहेगी, और इसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिखाया था और इसको भी दिखा दिया था, ठीक है। तो वहां से हमारे पास आ गया था कि एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वहां से आ गया था एल एफ पी डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल एफ पी, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं, देखो अब इस पार्ट में हमें प्रूव करने के लिए ये तो प्रूव हो चुका है, अब हम ये प्रूव कर देते हैं, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हम प्रूव करके दिखा देते हैं। इस पार्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी लेस देन इक्वल टू दिखा देंगे इससे 2p के डेल्टा से, लेकिन अभी हम सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं पी डैश में, एक्जैक्ट एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, तो स्मॉल p की क्या वैल्यू है इस केस में, 1, क्योंकि यहाँ पर p पॉइंट मोर देन लेके चलोगे तो ये तो p है ना, यहाँ पर एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो तो p की वैल्यू इस केस में 1 है, फिर जनरलाइज कर देंगे रिजल्ट को और वहां पर p आ जाएगा जब p पॉइंट मोर देन लोगे, लेकिन फिलहाल p की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, एल एफ पी डैश एल एफ पी डैश ये वाला पार्ट प्रूव करते हैं ना, इसको मैं ले आई लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में लेके आई तो माइनस एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू 2k डेल्टा, ये प्रूव कर रहे हैं इस पार्ट में जब एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले रहे हो, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए इसकी वैल्यू आई मेरे यहां से, तो ये वैल्यू जो भी आई ये वैल्यू इस वैल्यू को क्या दिखाना है, लेस देन इक्वल टू 2k डेल्टा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। फिर जनरलाइज कर देंगे कि पी डैश में अगर स्मॉल पी पॉइंट्स मोर देन है कैपिटल पी से तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2k डेल्टा, ठीक है। इस तरह से करेंगे कंप्लीट। देखो बच्चों ये तो लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेंगे। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक कंडीशन उसने और दे रखी है, मोड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, है ना। तो यहाँ से एफ एक्स किसके बीच में लाइक कर दिया बच्चों, माइनस के और के बीच में, यही आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। अब ये जो एम आर डैश है बच्चों, एम आर डैश क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना फंक्शन का, किसी भी सब इंटरवल में हो है तो इसी का सब इंटरवल तो इसी का है, और ये कंडीशन तो इस पूरे इंटरवल के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका अगर कोई सब इंटरवल होगी तो उसके पॉइंट्स के लिए भी तो आएगी ये कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो स्मॉल एम आर डैश है, स्मॉल एम आर डैश यही होगा ना, एम आर डैश क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो फंक्शन की हर वैल्यू से या तो बड़ी या फिर इक्वल बाय डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। अब स्मॉल mr भी क्या है आपके पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सब इंटरवल अलग अलग ले रखे हैं, ये किसी दूसरे
दूसरे सब इंटरवल में वैल्यू है, ये किसी दूसरे सब इंटरवल में फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और ये किसी दूसरे सब इंटरवल में फंक्शन का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। लेकिन है तो फंक्शन का ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ना, तो वैल्यू तो फंक्शन की जो आएंगी वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से या तो बड़ी रहेंगी या इक्वल रहेंगी उस पर्टिकुलर सब इंटरवल में। ये सब इंटरवल कौन सा था बच्चों? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कौन सा सब इंटरवल? पिछली थ्योरम में लिया था ना बच्चों हमने, ये लिया था हमने एक्स आर माइनस वन टू एक्स एन, इस वाले सब इंटरवल में, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये स्मॉल एम आर है ये भी लेस देन इक्वल टू एफ से, एफ एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम आर हमने कहाँ पे लिया था? एम आर एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, यहाँ पर एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, और जो एम आर डबल डैश है वो भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन का, तो यहाँ से एम आर डबल डैश इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई टू एक्स आर, ये आ गया। बच्चों देखो हमें ये प्रूव करके दिखाना है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये प्रूव करने के लिए इसका दो पार्ट में प्रूफ कंप्लीट होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करेंगे? एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी डैश, ठीक है। ये प्रूफ हम कर चुके हैं, इससे पिछली थ्योरम में मैं करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। वहां से ही मैंने ये वैल्यू लिखी है जी डी, ठीक। अब आपकी बार ये प्रूव और करके दिखा देंगे ये वाला पार्ट। इसमें क्या प्रूव करना है हमें? एल एफ पी डैश लेस देन इक्वल टू एल एफ पी प्लस टू पी के डेल्टा, ये प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ से मैंने इसको लिया लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में लोगे तो एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू किससे दिखाना है? टू पी के डेल्टा से, है ना। तो मैं अभी जो पार्ट लेके चली हूँ उसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चली हूँ एक्स जाई। जब आप पी पॉइंट एक्स्ट्रा लेके चलोगे तो रिजल्ट को जनरलाइज कर दोगे कि वहां पे टू के डेल्टा की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों? टू पी के डेल्टा, इसकी जगह पे टू पी के डेल्टा आ जाएगा। क्लियर है आधा? अब देखो प्रूफ करेंगे कैसे, ये जो वैल्यू है ये कंप्लीट वैल्यू, ये तो लेंथ है, तो लेंथ से तो हमारा डेल्टा निकलेगा हमें पता है ना। लेंथ की जगह तो आप डेल्टा आर डेल्टा वन डेल्टा टू यही तो लिख सकते हो, क्योंकि नोटेशन जो यूज कर रहे हैं हम सब इंटरवल की लेंथ के लिए वो डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ से तो वैल्यू सिर्फ डेल्टा निकल सकती है हमारी। साथ में क्या है? एम आर डैश माइनस एम आर और एम आर डबल डैश माइनस एम आर, यहाँ से क्या वैल्यू आनी चाहिए? 2k, दोनों में से 2k कॉमन निकलना चाहिए ताकि दोनों को कंबाइन करके वहां से डेल्टा लिख सके, समझ गए। अब ये 2k बनाने के लिए हम क्या करेंगे? जो गिवन है उसी का यूज कर सकते हैं, जो गिवन है हमारे पास उसी का तो यूज करोगे। गिवन क्या है? मोड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के, के तो यहीं पे है, के तो सिर्फ यहीं पे है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने? मोड की प्रॉपर्टी लगा दी। मोड बाय डेफिनेशन क्या होता है? एफ एक्स किस किस के बीच में लाई कर जाएगा? माइनस के और के बीच में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। इस इंटरवल के हर एक एक्स के लिए जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो माइनस के और के बीच में ही रहेगी, ठीक है। अब एक बार देखो ये जो स्मॉल एम आर डैश एम आर और एम आर डबल डैश ये जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये क्या है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना फंक्शन का, अलग अलग सब इंटरवल में है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इसका मतलब लोअर बाउंड की क्या डेफिनेशन होती है? एक ऐसा रियल नंबर की फंक्शन की सारी वैल्यूज उससे या तो बड़ी हो या इक्वल हो, है ना। तो यहाँ पर एम आर डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इसका मतलब फंक्शन की सारी वैल्यूज इससे या तो बड़ी होंगी या इक्वल होंगी। तो एम आर डैश ग्रेटर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये वाला सब इंटरवल, और ये सब इंटरवल किसका है? इस इंटरवल का ही तो है, इस इंटरवल के ही तो पार्टीशन लिए थे और वहीं से सब इंटरवल बनाए थे। ये जो है ये तो कंटेंड है ना किसमें बच्चों? ए टू बी, ये भी कंटेंड है किसमें? ए टू बी, ये भी कंटेंड है किसमें? क्लियर है आंसर? अब देखो ये चीज आ गई हमारे पास, लेकिन एम आर डैश माइनस एम आर की वैल्यू चाहिए हमें 2k की टर्म में, k की टर्म में। तो इसका और इनका यूज करके आप देखो क्या निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो है fx है, एक कंडीशन और बताई थी मैंने उसमें आपको,
क्या कंडीशन बताई थी बच्चों, एम आर डैश और एम आर में क्या रिलेशन था? पिछली फॉर्म में करवाया था एम आर डैश और एम आर में रिलेशन, और एम आर डबल डैश और एम आर में रिलेशन। ये था, यही था, इससे पिछली थ्योरम में बेटा, इससे पिछली थ्योरम में लिखा हुआ है। देखो एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डैश और एम आर इज लेस देन इक्वल टू एम आर डबल डैश, यही तो था। समझाया बेटा, मैंने क्लियर कर दिया था वहां पे। तो ये हमारे पास आ गया था, पिछली थ्योरम में करवा दिया था मैंने। अब इनका रिव्यू तो यहाँ पे करेंगे। तो देखो क्या आएगा, माइनस के लेस देन इक्वल टू एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू, लिख सकते हो या नहीं? ये चीज आई समझ में? देखो यहां से तो हमने ये लिख दिया कि एफ एक्स जो है वो माइनस के और के बीच में लाई कर रहे हैं। फिर हमने ये देखा कि जो ये हमें एम आर डैश माइनस एम आर की वैल्यू चाहिए है ना, तो यहां से हमने ये देखा एम आर डैश लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स जेड इस वाले सब इंटरवल में। फिर एम आर जो है वो भी लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है, ये लेस देन इक्वल टू एफ एक्स है, तो क्या आएगा यहाँ से कि एफ एक्स हमारा माइनस के और के बीच में लाई कर रहा है, तो स्मॉल एम आर डैश वो भी तो माइनस के और के बीच में लाई करेगा, और जो ये स्मॉल एम आर है ये भी किसके बीच में लाई करेगा, माइनस के और के बीच में लाई करेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में तो एक रिलेशन है ये रहा, तो है तो दोनों ही वैल्यूज हमारी माइनस के और के बीच में, ठीक है, और यहां से एम आर डैश ग्रेटर देन इक्वल टू है एम आर, तो इन दोनों को मिक्स करके ये लिख दिया हमने कि माइनस के लेस देन इक्वल टू एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश लेस देन इक्वल टू के, ठीक है, आ गया समझ। अब उसके बाद देखो बच्चों, इससे ये वैल्यू निकाल लें इसके अंदर, बताओ क्या वैल्यू आएगी एम आर डैश और माइनस एम आर किसके बीच मिलाई कर जाएगा, जीरो और टू के बीच मिलाई करेगा ना, इनइक्वालिटी ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू सी इज लेस देन इक्वल टू डी, तो वहां से अगर आप कंडीशन निकालोगे तो क्या कंडीशन आएगी यहाँ से बताओ, ये वैल्यू निकाल लेंगे मेरी बात, तो आपके पास आ जाएगा एम आर डैश माइनस एम आर, ये लाई कर जाएगा जो के के एंड के यहाँ पे जीरो और फिर यहाँ पे के प्लस के इससे बीच में लाई कर, ठीक है, जीरो और टू के बीच में लाई कर लिया एम आर डैश माइनस एम आर, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया। अब एक बात देखो, एम आर डैश माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू आ गया टू के, ग्रेटर देन इक्वल टू आया जीरो, लेकिन हमें जीरो से तो कोई वो नहीं है क्योंकि जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करके दिखा रहा है लेस देन इक्वल टू, है ना, तो यहां से हमें ये वाली वैल्यू दे देंगे एम आर डैश माइनस एम आर लेस देन इक्वल टू टू के, यहाँ पर पुट कर दोगे, यहाँ पर जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, देखो एल एफ पी डैश माइनस एल एफ पी, यहाँ से बच्चों ये लेस देन इक्वल टू टू इसकी जगह पे ये लिखा टू के ये एडिज एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस वन, फिर ये वैल्यू भी सिमिलर ऐसे आ जाएगी प्लस टू के और यहाँ पे एक्स आर माइनस एक्स आई ये आ गया। अब देखो ये चीज जो है वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप पे, टू के कॉमन निकाल लिया और यहाँ से आ गया एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एक्स आर माइनस
एक्साई ये आ गया और ये कोई भी लेंथ है, जैसे सब इंटरवल की तो लेंथ है और नॉर्मल लेंथ इक्वल टू डेल्टा दे रखा है ना, तो मैक्सिमम जो लेंथ आएगी सब इंटरवल्स की उसको तो नॉर्म बोल रहे हैं और नॉर्म जो आया है वो भी लेस देन इक्वल टू डेल्टा है, तो ये वैल्यू कुछ भी आए वो लेस देन डेल्टा तो रहेगी। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे आ गया 2k डेल्टा। ठीक है, जब हमने एक पॉइंट रिफाइनमेंट में एक्स्ट्रा लिया एक्साई तब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया एलएफपी डैश माइनस एलएफपी इज लेस देन इक्वल टू 2k डेल्टा। जब आप रिफाइनमेंट में पी पॉइंट्स ज्यादा लोगे पी से स्मॉल पी पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2pk डेल्टा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करके बता देती हूँ आपको, कंफ्यूज हो गए होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है पी डैश और पी दो आपके क्या है पार्टीशन है इस क्लोज इंटरवल के, ये रहा क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, अब उसके बाद इन पार्टीशन के बारे में उसने बताया कि पी डैश है वो रिफाइनमेंट है पी की रिफाइनमेंट है तो कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा रहे होंगे ना पी से, तो उसने ये भी बता दिया कि पी पॉइंट एक्स्ट्रा है स्मॉल पी पॉइंट एक्स्ट्रा है पी डैश। ठीक है, उस केस में एक चीज और दी है जो फंक्शन है वो बाउंडेड है बाउंडेड बाय के मोड एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के दे रखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू बी। हमें फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करके दिखाना है, तो ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो देखो हमारे पास पी डैश और पी होना चाहिए ना, हमारे पास क्या होना चाहिए प्रूफ में सबसे पहले तो हमारे पास एक आई इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए टू बी यही है, उसके बाद सबसे पहले तो ये इंटरवल है हमारे पास, उसके बाद पार्टीशन लेके चलेंगे। पार्टीशन लिया बच्चों एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर और अप टू कहाँ तक एक्स है, ये इसका पार्टीशन लिया। अब इसने बोला है कि एक और पार्टीशन आपको लेना है इसी इंटरवल का और उस पार्टीशन में इससे पी पॉइंट एक्स्ट्रा होने चाहिए रिफाइनमेंट अब इसके। ठीक है, लेकिन हम प्रूफ कंप्लीट करने के लिए पहले एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेके प्रूफ को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जनरलाइज कर देंगे रिजल्ट को कि अगर पी पॉइंट एक्स्ट्रा है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है, अभी एक पॉइंट कहाँ पर लिया एक्स्ट्रा एक्स आर माइनस वन और इससे ये पॉइंट हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिया है। ठीक है, एक चीज ये दे रखी है उसने, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया यहाँ से कि जो एफ एक्स है वो माइनस के और के के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, पिछली थ्योरम में हमने ये वैल्यू निकाल ली थी यहाँ तक कर लिया था और जो ये एम आर डैश एम आर और एम आर डबल डैश है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है फंक्शन के, तो फिर हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन लगा दी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन लगाओगे तो जो एम आर डैश लेस देन इक्वल टू एफ एक्स ऐसे ही एम आर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स, अब एफ एक्स जो है वो तो माइनस के और के के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ से ये क्या है के से लेस देन इक्वल टू और माइनस के से है ना माइनस के से ये है और एम आर डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, अगर माइनस के से सारी वैल्यूज फंक्शन की बड़ी है तो माइनस के लोअर बाउंड हो गया माइनस के लोअर बाउंड हो गया, लेकिन एम आर डैश उसने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दे रखा है, जितने भी लोअर बाउंड हो उन सब में ग्रेटेस्ट है ये, ग्रेटेस्ट ये है तो ये माइनस के यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे। ठीक है बच्चों, एफ एक्स को हटा दिया यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है और समझाने के लिए लिखा था मैंने, ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ से इसकी वैल्यू चाहिए मुझे एम आर डैश माइनस एम आर, तो एक वैल्यू यूज किया और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया क्या आएगा, देखो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हमने देखा था वो क्या रिलेशन था कि जो एम आर डैश है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन इसका यूज कर दिया यहाँ पे, इसका यूज करोगे तो माइनस के इज लेस दोनों की वैल्यू माइनस के और के के बीच में लाई कर ली है और ये बता दिया कि एम आर डैश बड़ा है या इक्वल है एम आर से, तो यहाँ से क्या लिखोगे एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर डैश लेस देन इक्वल टू या। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप पे ये वैल्यू आ गई
ये वैल्यू आके यहाँ पर पुट कर दी, इसकी जगह पे वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2k और ये एज इट इज। फिर प्लस सिमिलरली ये वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 2k, ये वैल्यू पुट कर दी, 2k कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के यहाँ पर हमारे पास xr माइनस 1 आ गया। और ये लेंथ आई है इसी सब इंटरवल की, आर एक्स सब इंटरवल की लेंथ आई है, और हर सब इंटरवल की लेंथ का जो मैक्सिमम आया है उस मैक्सिमम को इसने नॉर्म पी से डिनोट किया है, वो मैक्सिमम भी डेल्टा से छोटा है ये बता दिया इसने, डेल्टा या इक्वल या फिर लेस। तो यहाँ से फिर हमने इसकी जगह पे लेस देन पुट कर दिया डेल्टा, जब हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिया पी डैश में तो ये आ गया रिजल्ट। और जब आप स्मॉल पी पॉइंट्स मोर देन पी लोगे इसमें तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2p के डेल्टा। इस तरह से ये प्रूफ कंप्लीट। अपर सम के लिए आपको खुद ट्राई करना है, कोई डाउट हो तो बता दो।